छिंदवाड़ा में कुछ दिनों पूर्व बोहना खेरी ग्राम के 23 जिंदा व्यक्तियों को मुर्दा बताकर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की 48 लाख की राशि हड़प किए जाने वाले छिंदवाड़ा के बोहना खेरी गबन कांड में पुलिस ने जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मरावी, पूर्व सीओ कंचन वास्कले, दो पंचायत इंस्पेक्टर सहित जनपद के दो कर्मचारियों को इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाते हुए आरोपी बना लिया है। गौरतलब है कि घटना के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिना जनपद पंचायत कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी संलिप्तता के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होना संभव नहीं है। जांच में तमाम तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल पूर्व और वर्तमान जनपद सीओ सहित जनपद पंचायत के 6 अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रकरण में आरोपी बनाया है। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बोहना खेरी के सचिव राकेश चंदेल द्वारा जिंदा व्यक्तियों को मृत बता कर्मकार मंडल मद से उनके नाम से मिलने वाली 48 लाख की सहायता राशि का गबन कर लिया गया था, जिसका खुलासा होने के बाद 4 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। पंचायत सचिव सहित सभी आरोपी जेल में हैं। अब इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। पुलिस द्वारा जांच के उपरांत जिला लोक अभियोजन अधिकारी से अभिमत मांगा गया था और अभिमत के आधार पर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। मैं बोहना खेरी रहता हूँ, ग्राम पंचायत बोहना खेरी, और मेरे को ये कल का पेपर में दिए कि ये मर गया, जगदीश प्रसाद मंचे से मर गया। और वो जब पेपर में देखे, जब पता लगा कि हम मरे तो कैसे मरे, हम तो जिंदा खड़े, नल चलाते हैं ग्राम पंचायत बोहना खेरी का, काम करते पूरे गांव के आदमी से पूछ लीजिए। अब ये मैं क्या बता सकता हूँ किसने किया कैसा किया, मेरे को पेपर में पता लगा। बस हम ये आए थे कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, हम मर गए हैं पेपर में, तो ये क्या कहते हैं जनपद आए हैं कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, भाई हम तो मर गए ना। सर, ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते हैं, मेरे खाते से 2 लाख रुपये खाते में चले गए हैं, वो संजय चोरे, राकेश चंदेल, इनका बता रहा है। इसमें मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में, उस खाते में जो इसमें गायब है, वो पैसे नहीं बताया, उसमें खाते नंबर दिया है। छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।